Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog guys. So again ride scene and video scenes. लास्ट आपने जो मैं राइड पे हमने वीडियो मेरी शूट देख लिया होगा जब वहाँ पर हुआ था, तो बहुत सेक्सी वीडियोज़ बनाई थी बॉयज़ ने, बहुत अच्छा वर्क है उनका। तो अभी हम जा रहे हैं सारे ट्रैक की तरफ, आज भी वीडियो सीन है तो इंशाल्लाह बहुत हैवी हैवी सीन्स होंगे। और यार इस तरह की वीडियोज़ आपने चेक करनी है ना, ये शूट्स जो भी होते हैं, तो मुझे जाके यार जल्दी से इंस्टाग्राम पर पहले फॉलो करो। अभी तो बहुत प्यारी बॉयज़, आज हमारा ना ग्रुप समझो कि 1000 RR का ग्रुप है, हम बीच में घुस गए बस भूसा लेके, समझो कितनी ज़्यादा 1000 RR हैं आज हमारे ग्रुप में। तो सिग्नल खुल जा भाई मेरे, here we go. क्यों मैं विसल मारता हूँ जब भी ब्रेक पे, आई डोंट नो व्हाई, आदत है ये। मैंने अक्सर नोट किया जब भी विसल मारता हूँ, मैं ब्लॉग में चेक करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि ना मैं लाइक ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ और जो टायर जो एकदम से ना ऊपर से स्किड करता है उसकी आवाज़ जो आती है। ये बनेली वाली राइड जो है ना इनकी 1000 RR को पीछे छोड़ देते हैं, मतलब इनकी राइड बहुत है अमेजिंग है, 600 प्लस ऊपर से डर इतना नहीं लगता, यू नो। यार काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाओ, यार मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अलग से। मैं दरअसल मसला दरअसल ये है कि मैं ट्रैक के अलावा बाइक ज़्यादातर राइड नहीं करता ना, सोलो राइड नहीं करता इतनी, तो जब भी ट्रैक वगैरह होता तभी राइड करता हूँ, क्योंकि यार ये बाइक राइड करना ना एक चैलेंज होता है, बार बार दिल नहीं करता, हर टाइम बंदा ही राइड करता है। आप लोग मतलब देखने में तो बहुत सेक्सी लगता है, मतलब बस ट्रैक वाले दिन ही एक दिन राइड करो बंदा उसी दिन मज़ा आता है, बेफालतू में ना एकदम इधर उधर ले जाओ यार उसमें दिल नहीं करता। तो इसके लिए हम प्लान करेंगे सिर्फ ब्लॉग के लिए, हम लेके जाएंगे किसी दिन ब्लॉग के लिए पब्लिक रिएक्शन में, पब्लिक प्लेस में लेके जाएंगे किसी, वहाँ पर लोगों के रिएक्शन कैच करेंगे, तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग भी ज़रूर आएगा। अच्छा तो गाइस यार आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, वो ये है कि मुझे बाइक का शौक कैसे हुआ, ठीक है। लंबी कहानी है, तो सीन कुछ यूँ है, मुझे शौक बाइक का इस तरीके से हुआ था कि एक बार मैं ना बैठा हुआ मोबाइल जस्ट यूज़ कर रहा था, तो मेरा कज़न है उसने स्टोरी लगाई हुई थी कि ही इज़ सेलिंग द बाइक, वो बाइक सेल कर रहा था 200 CC जो मेरे पास घर पे पड़ी हुई है, वो चाइनीज़ बाइक है, तो वो सेल कर रहा था। मुझे से पहले लिटरली बाइक से बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एक बाइक पता होती थी वो थी हायाबुसा, जो भी मैं राइड कर रहा हूँ, ठीक है। हर बंदे को पता होता है कि कौन सी बाइक हायाबुसा ना, क्योंकि ये बाइक फेमस हुई थी धूम मूवी से। तो खैर एनीवेज, तो मैंने वो बाइक मुझे पसंद आया, लाइक लोग बाइक बहुत पसंद आ रहा था, मैंने कहा यार बाइक मुझे सेल कर दो अपना। तो मैंने कज़न से बाइक लिया, तो बाइक किया, मुझे कुछ पता नहीं था हाउ मैं CC कितना मैटर करते हैं, इतने ज़्यादा CC क्या होता है, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, साउंड का क्या होता है, बाइक का साउंड कैसा होता है, कुछ इस बारे में लिटरली जीरो नॉलेज थी। जब वो मैंने बाइक लिया 200 CC, तो मैं जब राइड करता था तो लाइक मुझे यह बहुत मज़ा आ रहा था वो 200 CC में, मतलब फर्स्ट राइड थी, उससे पहले ना मैंने कोई 70 चलाई थी ना मैंने कोई 125 चलाई थी, मतलब मेरी फर्स्ट राइड ही 200 CC की बाइक थी, ठीक है। तो लिटरली आप लोग मुझे कह सकते हो कि मैं अभी तक 70 और 125 अच्छे तरीके से नहीं चला सकता, सही है। तो मैंने वो बाइक राइड की, आस्ते आस्ते मुझे बाइक पसंद आने लगी वो, तो मैंने दूसरे बाइक के बारे में पता पड़ने लगा कि और ज़्यादा CC भी होती हैं, उनके 4 सिलेंडर्स होते हैं, उनका साउंड ऐसे होते हैं, थोड़ा सा मुझे पता पड़ने लगा इन चीज़ों का। तो फिर हम सीखते गए, फिर मैं शौक चढ़ गया बाइक्स का ना। हाँ तो गाइस मैं क्या, हाँ मैं कह रहा था कि
जब से हमने 200cc चलाया तो मुझे दूसरी बाइक के बारे में जब पता पड़ा कि भाई और बाइक्स भी होती हैं, उनकी इतनी सीसी होती है, उनकी इतनी पावर होती है और वो इतनी स्पीड हिट कर सकती है ना, लाइक मेरी तो रेड वाली थी तो वो ज़्यादा में ज़्यादा 140 तक जा सकती है, ठीक है, वो भी अच्छी खास काली रोड हो तो खैर। तो दूसरी बाइक का शौक पड़ा और दूसरी बाइक मैंने जब इनका प्राइस देखना स्टार्ट की तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो फिर हमें शौक चढ़ गया इन बाइक्स का, हम कहते थे यार हमें ये वाली बाइक दे दे। तो खैर फाइनली जब हम बाइक्स लेने गए तो हमें ये भूसा नज़र आई तो हमने ये वाली भूसा उठा ली और आज हम इस बाइक पर राइड कर रहे हैं। और बड़ा सीन हुआ था बाइक लेने जा रहा था जब, तो सीन ये था मैं दरअसल मेरी रेड वाली बाइक का ना एग्जॉस्ट हो गया था ढीला, तो वो मैं एग्जॉस्ट राइड करवाने मैकेनिक को, जो शोरूम भी हुई है उनका तो मैकेनिक भी होते ना, तो मैं उनसे ठीक करवाने जा रहा था। तो उसी टाइम ये बाइक बाहर खड़ी हुई थी, हाँ दूसरी टाइम ये बाइक वहाँ खड़ी हुई थी, तो मैं उस बार कड़े की तारीफ़ करूँ यार क्या बाइक है, लाइक ब्यूटीफुल ना, मेरे मामू भी थे तो उनके साथ मैं कड़े इस बाइक की तारीफ़ करी जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो अंदर डीलर से पूछते हैं, हमने उनसे जाके पूछा है तो उमर भाई हैं यूनाइटेड ऑटोज वाले, उन्होंने हमें कहा है कि भाई ये बाइक फॉर सेल है और प्राइस भी हमें इसकी रीज़नेबल लगी यार, हमें बहुत अच्छी प्राइस लगी। मेरा दरअसल मूड था 600 लेने का, तो इसकी प्राइस मुझे काफ़ी मतलब लाइक मेरी रेंज में बजट में आ गई, तो फिर हमने ये बाइक बाइक कर ली। तो लिटरली आई एम एंजॉइंग दिस बाइक यार, दिस बाइक इज सो बीस्ट यार, सो बीस्ट। तो अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोचता हूँ कि अच्छा हो मैंने 600 नहीं ली थी, क्योंकि पावरफुल मशीन है मेरे पास और इसको राइड करने का अपना मज़ा है। और भूसा यू नो के इसके लुक्स वाइज बहुत प्यारी बाइक है और वेट वाइज तो ज़्यादा है, थोड़ा दूसरी बाइक ईजी होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस राइड करना, क्योंकि उनके वेट कम होता है। तो खैर हम वेट पर भी जाएंगे, हम लुक्स पर भी जाएंगे, क्योंकि मुझे सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी थी लुक्स, ठीक है, दैन पावर। लुक्स भी हम करते हैं, आपको पता है आपका भाई फोटोग्राफी बहुत करता है यू नो, तो लुक्स हमें पहले चाहिए थी, दैन हमने पावर को देखना था, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें थी, तो ये बाइक हमारी फेवरेट है। ओके तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं ट्रैक पे, स्ट्रेट में लगाएंगे, स्ट्रेट में लगाएंगे, जहाँ मर्जी आ जाओ, इसको रेव करना एक मिनट। तो गाइस यार अभी मैं लगाने लगा हूँ एक ट्रैक हायाबुसा वर्सेस जिक्सर 600 और यार अब कंट्रोवर्सी मत स्टार्ट कर देना, 1300cc वर्सेस 600 को मुकाबला होता ही नहीं है, हम ये से एक फ्रेंडली मैच कर रहे हैं और जस्ट फॉर फन। वो काफ़ी टाइम से मुझे जिक्सर वाला कह रहा था कि यार एक फ्रेंडली रन करना है, मैंने कहा श्योर यार, तो डू नॉट टेक इट सीरियस गाइस। आगे सर
ओके तो गाइस यार भूसा के अंदर थोड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने भूसा के अंदर ना एक तार थी बैटरी के साइड की होती है ना, वो जल रही थी, तो जब से मैंने वो तार चेंज कराई है भूसा के अंदर इशू आ रहा है। तो खैर एनीवेज अभी वो स्टार्टिंग में इशू कर रही है, तो अभी हमने फिर से बंद किया, धक्का लगा के दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम बनेली राइड कर रहे हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा बनेली भी फ़ोन करते हैं, आज हमारे ट्रैक का थोड़ा सीन कैंसिल हो गया। तक गई है। ओके तो गाइस यार इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सो टेक केयर गाइस, बी अ राइडर, बाय बाय।